कुक्कुट विकास समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले अंडा उत्पादक किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। अंडे के लागत मूल्य से बराबर नीचे रेट रहने से होने वाले नुकसान को लेकर अंडा किसानों ने शुरू किया आंदोलन। NECC द्वारा मनमाने ढंग से अंडे का रेट तय कर किसानों का किया जा रहा शोषण, जिसे लेकर अंडा किसानों ने NECC को भंग करने की मांग रखी। कुक्कुट विकास समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष VP सिंह ने दी जानकारी। मेरा नाम VP सिंह है, मैं कुक्कुट विकास समिति का प्रेसिडेंट हूँ। आज के धरने का आयोजन NECC के रेट निकालने के खिलाफ किया गया है, क्योंकि NECC लगातार लागत मूल्य से कम रेट निकालकर हमारे प्रदेश की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है, और इसी वजह से आज हमारे सारे फार्मर्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे पूरे प्रदेश से के हर ज़िले से लोग हैं, और अभी नहीं लेकिन आज शाम तक हमारे पास हरियाणा, उत्तराखंड और भी स्टेट के भी लोग पहुँचेंगे। मांग किससे रखना चाहते हैं? हमारी मांग सरकार से है ये कि पहले जो NECC का जो रेट निकालने का जो स्ट्रक्चर उसने बना रखा है, इंडिया के डिफरेंट जोन्स में उन्होंने जोनल चेयरमैन्स बैठा के रेट निकालने का जो प्रोसेस है वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद करें। प्रोडक्ट हमारा है, प्रोड्यूस हमारा है, हमें जिस रेट में बेचना होगा हम बेचेंगे, लेकिन उनको कोई राइट नहीं है कि लागत प्रोडक्शन कॉस्ट से नीचे मूल्य निकाल के केवल वो अपना कोल्ड स्टोर करके ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट के लिए जो पोल्ट्री फार्मर्स का शोषण कर रहे हैं वो इमीडिएट बंद होना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर के आप कहां तक जाएंगे? हमारी मांग तो हमारा एजिटेशन है, बेसिकली जो रेट निकालने वाली एजेंसी है NECC है, बरवाला एसोसिएशन है, इनके खिलाफ है। सपोर्ट हमको सरकार से चाहिए, जब तक हमको सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अनवरत यहीं पर बैठे रहेंगे।